हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हुई है, क्योंकि मेरी अलार्म है 5 बजे की सेट, तो उसी टाइम के और मैं फटाफट खड़ी हो जाती, फिर चल देती मैं नीचे। न तो आज मेरा व्रत है, मेरा प्रायण, आज है वेडनेसडे और मेरा व्रत होता है थर्सडे का, और फ्राइडे को होता है प्रायण। फिर आ जाती मैं फटाफट नीचे, और नीचे आती तब तक चीमू भी पता नहीं कहाँ पर था, मतलब मेरे गेट खोलने की आवाज़ सुनते हुए फटाफट आ जाता है और फिर करने लग जाता है रोटी की डिमांड, कि मेरे को एक रोटी दे दो। रोटी लेता हूँ सिर्फ एक बाइट, और उसमें भी बंदा छोड़ कर चला जाता है। और फिर मैं सबसे पहले तो मतलब किचन में का गेट खोलती हूँ, फिर मंदिर में धोख लगाती हूँ, पतीला और लोटा लेकर आती हूँ बाहर, पतीले में चाय को चढ़ा देती हूँ। फिर मैं वापस जाती हूँ किचन के अंदर, और फिर उसके लिए एक बाइट लेकर आती हूँ, और उसकी बाइट को मैं डाल देती, मतलब नीचे रख देती हूँ। फिर वो उसको खा लेता है, मतलब जितना उसको खाना होता है, फिर वो चला जाता है। मतलब कहाँ पर जाता है मैंने नहीं देखा, क्योंकि फिर मैं अपने काम के ऊपर लग जाती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं दूसरी साइड में, और दूसरी साइड में आकर मैं फिर कोयले चलाने लग जाती हूँ। मैं लाइट को अंदर जाती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, और फिर बाहर आती हूँ फिर ऑफ कर देती हूँ। बीच में इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को दोबारा अंदर जाना था चीमू के लिए रोटी लेकर आनी थी, इसलिए मैंने उसको बंद नहीं किया था। और फिर काम खत्म होते मतलब रोटी लेते फिर मैं उसको लाइट को बंद कर देती हूँ। फिर आ जाती हूँ दूसरी साइड में, फटाफट कोयले चला दी जैसे कि मैं डेली चलाती हूँ, और मतलब जो भी मेरा व्लॉग वगैरह देखता है उनको पता है कि मैं डेली कैसे चलाती हूँ। मतलब दोनों साइड में, मतलब मेन गेट के बाहर दोनों साइड में जल डालती हूँ, सेंटर में डालती हूँ और घूंघट के अंदर डालती हूँ। मतलब डेली यही काम करती हूँ, सुबह और शाम करती हूँ। सुबह की मैं दिखाती हूँ, शाम को मैं नहीं दिखाती हूँ। और फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर, तो चीमू पता नहीं कहाँ पर था, लेकिन मतलब मैं ऊपर आई तो मेरे से पहले ऊपर चढ़ गया। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं चलो नीचे चलती हूँ, मतलब फिर मेरे से पहले नीचे, मतलब मेरे से एक, मतलब मैं 3 या 4 सीढ़ी उतर लेती हूँ, उसके बाद में आता फिर भी स्पीड से आता है। फिर पहुँच जाता है वो नीचे, और फिर वो पानी पीने लग जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, मतलब नॉर्मली बात है कि प्यास सबको लगती है, तो ये पानी चिड़ियों के लिए रखते हैं हम, कि चिड़िया वगैरह पीते रहे, कबूतर चिड़िया जो भी आती हैं। लेकिन इसका यूज़ मतलब बिल्ली भी कर लेती है, चीमू भी कर लेता है, मोटा चीमू भी कर लेता है। मतलब चीमू ये है, मोटा चीमू मतलब बिल्ला है, और बिल्ली इसकी माँ है, मतलब ये अलग अलग है। और फिर आज फिर मैं ऊपर झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। चाय को मैंने पी लिया है, सबको पहले ही दे देती हूँ। मतलब चीमू को रोट मतलब क्या कहते हैं, चीमू जब ऊपर आता है मैं आती हूँ तब तक मैं चाय सबको दे कर आती हूँ, और फिर मैं फटाफट झाड़ू लगाना है। हम बाहर सोते हैं इसलिए चारपाई वगैरह बाहर लगी हुई है, और फिर मतलब गुनू के पापा अपनी साइकिलिंग के लिए गए हुए हैं, तो फिर मैंने चारपाई को हटा दिया। मतलब जब उनकी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब होती है, थकावट ज़्यादा महसूस होती है, तो वो लेटे रहते हैं, नहीं तो वो टाइम के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मतलब वो नॉर्मली बात है कि इतने ज़्यादा ऑपरेशन होने के बाद में तो नॉर्मली बात है कि मतलब थकावट होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा दवाई ली हुई है उन्होंने कि मतलब बता नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसके कारण उनको गर्मी भी लगती रहती है, और फिर मतलब ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। मतलब ये है कि मतलब शरीर से सही दिखते हैं, मतलब हेल्दी दिखते हैं, लेकिन स्टेमिना मतलब नील मतलब नए के बराबर है, मतलब नॉर्मली जो इंसान होता है उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हाँ मतलब खा लेते हैं, पी लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये चलो भगवान की दया से इतना भी काफ़ी है। और फिर मेरा बाबूजी सो रहा है, ऊपर की सफाई कंप्लीट कर देती हूँ, और फिर मैं पौधों में पानी देने लग जाती हूँ। पानी आज आने का दिन नहीं था, तो पानी आज आया भी नहीं, लेकिन ये है कि मैं चेक करती रहती हूँ बार बार कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, लेकिन मतलब डेली चेक करती हूँ। लेकिन पानी कभी एक दिन का गैप देकर, कभी 2 दिन का गैप देकर आने लग गया है। मतलब 2 दिन का दे देता ना, उस दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि होद ना हाफ से भी नीचे जा चुका है। मतलब जब तक कंटिन्यू नहीं आने लगेगा तब तक मतलब हो, मुझे नहीं लगता कि वो फिलअप होगा कभी। और फिर ये देखिए, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मतलब 1000 लीटर की टंकी है, वो भी मतलब 2 दिन नहीं चलती है। मतलब कितनी भी कोशिश करूँ, कितनी भी वो करूँ, फिर भी नहीं चलती है वो। हौद का पानी यूज करना ही पड़ता है। और फिर ये देखिए, सूर्य देवता दिखाई दे जाते, मेरा बाबूजी मतलब बाबाजी को दिखा दे, फिर अब मेरे को ऐसा दिखा रहा है कि मामा जी देखो, मामा जी देखो। फिर मैं कहती हूँ लाओ बाबा जी, मैं बाबा जी को दिखाऊंगी, तो मतलब एकदम से भाग लेती है। मतलब है ये चारपाई के ऊपर, तो मैंने इससे आगे नहीं जा पा रही थी वो, क्योंकि वो नीचे होती तो वो भाग जाती, मेरे को मतलब पकड़ में भी नहीं आती। फिर वो चारपाई के ऊपर थी तो उस तो उतरती, तब तक मैं उससे शीशा ले लिया था मैंने उससे, और फिर बाबा जी को दिखा दिया। मतलब ये है एक नटखट बच्चा, मतलब ये नहीं कहती मतलब ये ऐसी है वैसे, लेकिन जैसे भी है मेरी बहुत प्यारी बच्चियाँ दोनों की दोनों। और फिर ये देखिए, बाबा जी को दे दी चाय, मेरा बाबू जी ने भी चाय पी ली। फिर आ जाती फटाफट नीचे, और रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि गुनू को लग गई है भूख। ज्येष्ठा बाबू गुनू के पीछे पीछे कि मेरे को भी भूख लगी,
उसकी, मतलब जो गुनू कहती है वो तो चेष्टा बाबू को कहना ही कहना, क्योंकि नॉर्मली बात है कि छोटा बच्चा जिद्दी करता है, मतलब गुनू नहीं करती थी, मगर गुनू के बिहेवियर में और चेष्टा के बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर यह चीमू कर रहा था, बदमाशी, मतलब खेल रहा था, ये हमारा पेट एनिमल नहीं है, और ये मतलब ये अंदर बाहर होता रहता है, मतलब घर से बाहर भी चला जाता है और अंदर भी आ जाता है, जैसी इसकी मर्जी होती है वैसा वो करता रहता है, लेकिन घर के अंदर आता है तो मतलब ये इसकी पूरी केयर की जाती है। फिर चीमू यहाँ के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा था, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है नीचे, मतलब खाना मैंने बना दिया है, सबने खाना खा लिया है, चेष्टा बाबू को भी साथ, मतलब झाड़ू लगाती रहूँगी, खिलाती रहूँगी, और मतलब मैं खाऊंगी बाद में, मैं अभी नहीं खा रही, मैं खाऊंगी बाद में, पहले एक बार झाड़ू कंप्लीट कर देती हूँ नीचे का, उसके बाद में खाना खाऊंगी, मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में, फिर रह जाएगा पोचा, मतलब पोचा लगाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि खाना मैं पहले खा लूँगी, क्योंकि नॉर्मल बात है सब ने खा लिया तो भूख मेरे को भी लग गई है, मतलब कभी कभी महसूस होने लग जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन आज मतलब थोड़ी महसूस हो रही है, एक तो मतलब फ्राइडे को महसूस होती है क्योंकि थर्सडे का फास्ट होता है, फिर बाबा जी को खाना दे देती है, फिर सफाई दिखा देती है, पूरी की पूरी मेरी कंप्लीट हो गई है, देखिए सब कुछ साफ हो गया, मेरा बाबू जी लिया बाल्टी के अंदर बैठा हुआ है, और मतलब ठंड होद के पानी जो ठंडा होता है वो निकाल रखा, उसी में बैठा देती हूँ उसको, सर्दियों में गर्म पानी में और गर्मियों में ठंडे पानी में बैठी रहती है। गुनू मतलब पहले ही ना चुकी है, और बस क्या बताएं इसकी मस्ती का, तो फिर चलो चलते हैं आगे, फिर ये देखिए सफाई होगी मेरी कंप्लीट, अब मैं और चेष्टा बाबू जाएंगे ऊपर, उसके बाद में चेष्टा बाबू के मैं नेल्स काटती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू के नेल हो गए बड़े, और उसके बाद देखिए चेष्टा बाबू सारा सामान फैला देती, सारा का सारा बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, मतलब दिखाने लगती तब सारा का सारा मतलब पता नहीं गुन्नू कहाँ से फैला देती है। और फिर देखिए चीमू जी कहाँ पर सो रहे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कूलर की हवा आ रही है डायरेक्ट, तो मतलब गैलरी है तो यहाँ पर कूलर की हवा आ रही है, आराम से लेटा हुआ, कूलर के आगे भी लेट जाते हैं, ये नहीं कि वहाँ पर नहीं लेटता, वहाँ पर भी लेट जाता है, लेकिन बंदे की मर्जी, यहाँ पर लेट कर लेटने की हुई हुई है तो वहाँ पर लेट जाता है। फिर हम आ जाते हैं ऊपर, ये है टाइम है शाम का, हम जा रहे थे चाय बनाने के लिए, चेष्टा बाबू को चीमू की आवाज़ सुनाई देती है, वो इस साइड में चेक करने के लिए आती है कि चीमू है या नहीं, चीमू नहीं था, और बहुत बादल देखिए जैसे कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आती अभी तक तो आई नहीं, आगे देखते हैं नहीं आती, मतलब अभी फिलहाल नहीं आई, लेकिन बादल बुरी तरह छाए हुए हैं। फिर चेष्टा बाबू मतलब आज भी डॉक्टर का भूत उसका उतरा नहीं, मतलब उसको लिए हुए घूम रही है, कल से ही घूम रही है, मतलब जब से उसको मिला है ना तब से घूमे जा रही, घूमे, देखते हैं कितने दिन रहता है। और ये शाम की चाय का है, फिर मेरा बाबू जी चाय का इंतजार कर रहा था, फिर मैं धोती हूँ कपड़े, क्योंकि दो कपड़े मैंने दोपहर में धोने छोड़ दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हाँ नॉर्मली दिन आ जाएंगे, मतलब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, तब धुलूंगी, उसका कारण होता है चेष्टा बाबू मेरे पीछे भेजा रहता है, फिर वो बीमार ना हो जाए। और ये देखिए इतने कपड़े धोए दो दिन के, क्योंकि मंगलवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, आज धो दिए, कल थर्सडे है, कल नहीं दूंगी, फिर फ्राइडे को दूंगी, मतलब दो दिन के फिर दूंगी। और मेरा बाबू मतलब टैप के साथ में पता नहीं क्या कर रहा है, ये रात का खाना है जो मैंने बाबा जी को दे दिया, फिर मैं खा लेती हूँ, मेरा बाबू जी ऐसे करके चारपाई को मतलब झूला बनाकर खेल रहा है। उसके बाद में मेरा बाबूजी सो जाते हैं, मेरे बाबूजी सो जाते हैं। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, बाय।